हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लिए फ्री मेंबर का एपिसोड 90 लेके आ गए हैं। अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, जिससे आगे की स्टोरी आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तब तक हम कर लेते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। जब अचानक से वो मिस्टीरियस वुमन जो की सोर्ड के अंदर से आई थी, वो जियान की बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तभी हमें सबसे पहले उस कोंग की पावर मालूम पड़ती है, जिसे युजवान ने अपनी बेटी को पहचानने के लिए जियान को दिया था। ये नीले रंग का संघ अपने अंदर से ऐसी मिस्टीरियस एनर्जी को रिलीज करता है, जो इमोर्टल सोर्ड की ग्रीन एनर्जी को ऐसे डरा देती है जैसे किसी हिरण ने शेर को देख लिया हो। फाइनली जब जियान के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में उसकी डिवाइन मूवमेंट इंस्ट्रक्शन भी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे सोर्ड एनर्जी को बाहर आना पड़ता है। इसने फॉर्म लिया था उस मिस्टीरियस वुमन का। जब गोल्डन एकिंग उसका खात्मा करने की बात करते हैं तो वो कहती है, मुझे मारने से तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होगा, बल्कि तुम्हें भारी नुकसानों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस मीटोर के राज जानती। लगता है उसके शब्द जियान और गोल्डन डेकिंग के ऊपर काफी इफेक्टिव थे। दोनों ही अपने इरादों को बदल के उस वुमन से कॉपरेशन की बात करने लगते हैं। जब वो औरत बताती है कि इस इमोर्टल सोर्ड को कंप्लीट करने के लिए उस मीटरॉड यानी कि पत्थर का 10% ही एसेंस लगेगा, बाकी को जियान गोल्डन डेकिंग और लोंगे इंजॉय कर सकते हैं, तो जियान उसे वादा करता है कि ठीक है, अगर तुम हमारी इसे हासिल करने में हेल्प करती हो तो मैं तुम्हारे लिए एक मास्टर फोर्जर को ढूंढूंगा। फोर्जर को हिंदी में बोलते हैं लोहार, जो हथियार वगैरह बनाते हैं ना, वो इस मीटर रोड के एसेंस का इस्तेमाल करके इसे मोटर सोर्ड को एक नई चमक देगा। कुछ सोचने के बाद उस वुमन ने नॉट कर दिया था, लेकिन बात ऐसी होती कि उस मीटर रोड के आसपास के 10 मीटर के रेडियस में एक इस तरीके की फोर्स मौजूद होती है जिसे बोलते हैं शैटर्ड स्पेस। इसके अंदर जाने वाली हर एक चीज मिट्टी मिल जाया करती थी। वो कहती है, अगर कोई इस शैटर्ड स्पेस को क्रॉस करना चाहता है तो उसके पास स्पेस एट्रीब्यूट की दिखी होनी चाहिए। अभी जिन लोग जियान वगैरह के लिए काफी बड़ी परेशानी होती है, जब सभी लोग इसके ऊपर अपना दिमाग खराब कर रहे थे, जियान के दिमाग में एक लाइट बल्ब जल जाता है। वो कहता है, शायद मेरे पास इसका एक सलूशन है। अब इसमें सच्चाई कितनी है, चलो जानते हैं इस एपिसोड में। वो औरत जियान को स्थिर निगाहों से देखती है। वो कहती है, अच्छा तुम्हारे पास क्या सलूशन है? जियान नॉड करके एक डिटरमाइंड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, मैंने अपनी कल्टीवेशन जर्नी में कुछ स्पेशल टेक्निक सीखी है, मुझे लगता है उनमें से एक यहाँ पे काम आ सकती है। ये सुन के औरत अपनी एक बॉय उठाती है। वो एक क्यूरियस आवाज में कहती है, तो तुम्हारे पास स्पेशल एट्रीब्यूट टेक्निक है? वही एट्रीब्यूट टेक्निक जिसे स्पेस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। जियान एक सांस को भर के कहता है, हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। तुरंत ही अपने दोनों हाथों को साथ में लाके वो चैंसेस को परफॉर्म करने लगता है। उसकी मूवमेंट्स काफी रिफाइंड लगती हैं। तुरंत ही जियान के शरीर को लेके चारों तरफ एक स्पेशल ऑरा फैलने लगा था। ये रेपल स्पेस को डिस्टॉर्ट कर रही थी। ये टेक्निक जिसे स्पेस शटल हैंड प्रिंट बोला जाता है, उसे जियान ने इन कॉर्ड फॉरेस्ट में सीखा था। अभी तक भले जियान ने इसका ज्यादा यूज नहीं किया हो, लेकिन लगता है टेक्निक यहाँ पे चमक दिखाएगी। फाइनली पूरे फोकस के साथ जियान इस टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। नेक्स्ट मोमेंट में उस वुमन की सरप्राइज नजरों के सामने जियान का शरीर हल्का सा डिस्टॉर्ट होकर गायब हो गया था। अगली बार वो अपीयर होता है कुछ मीटर्स दूर। ऐसा लगता है उसने स्पेस के फैब्रिक को चीर दिया हो। इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए जो कंट्रोल चाहिए होती है, उसे हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और जब जियान दोबारा से इस टेक्निक का इस्तेमाल करके वापस से अपनी पोजिशन पर आता है, तो उस वुमन की आंखों में भी एस्टोनिश एक्सप्रेशन आता है। जियान को एक नई रिस्पेक्ट की निगाहों से देखती हुई वो कहती है, इम्प्रेसिव, तो तुम इस टेक्निक की बात कर रहे थे? जियान की नजर शिफ्ट हुई थी उस मीटरियोड यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टोन की तरफ। उसका चेहरा काफी सीरियस हो गया था। जियान कहते हैं, उस जगह के आसपास का स्पेस कोई नॉर्मल फ्रैक्चर्ड एरिया नहीं है, ये स्पेस कियोटिक और बहुत ही डेंजरस है। मुझे लगता है अगर मैं दूसरी क्लास की पीक पे ही पहुंच जाता हूँ, तभी बिना तैयारी के स्पेस के अंदर जाने से मुझे नहीं लगता कि मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। वो औरत भी नॉड करके बोलती है, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जिस तरीके से तुमने अभी स्पेस को कंट्रोल किया, अगर तुम वैसा ही कर सकते हो तो हमारे सफल होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि तुम इस टेक्निक का इस्तेमाल करके उन डेंजरस जगहों को अवॉइड कर पाओगे। ऑफ कोर्स तुम्हें प्रिसीजन स्पीड और परफेक्ट टाइमिंग की जरूरत होगी, तो मैं उस पत्थर को लेकर उससे पहले वापस लौटना होगा जब तक वो शैटर्ड स्पेस तुम्हारे पास पहुंच पाए। इस औरत के शब्दों में भारी वजन था और जियान ने अच्छे से तोल रहा होता है। वो 10 मीटर रेडियस का स्पेस एकदम वॉइड से भरा हुआ है। उसका एक गलत कदम उसकी जान को खतरे में डाल देगा। गोल्डन डैगिंग जियान के दिमाग में ट्रांसमिशन भेजते हैं। वो कहते हैं, सही कह रही है, भले वो स्पेस एकदम खतरों से भरा हुआ हो, लेकिन तुम्हारी स्पेशल टेक्निक के साथ तुम्हारे सक्सेसफुल होने के डेफिनेटली चांसेस हैं। जब गोल्डन ड्रैगन किंग भी स्पेशल टेक्निक के ऊपर भरोसा जताते हैं, तो जियान की नजरें और भी डिटर्मिनेशन से भर जाती हैं। वो कहता है, मेरे पास एक ही मौका है, इस वजह से मुझे इसके ऊपर पूरा ध्यान लगाना होगा। जियान को कुछ समय तक देखने के बाद वो औरत कहती है, अगर इस जर्नी में तुम्हारे साथ कोई होता है तो तुम्हारे सक्सेसफुली उस स्टोन को वापस लाने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। इस सुझाव को सुन के जियान के दिमाग में एक आइडिया
आया था। वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करने लगता है। वो समन करता है उस क्लोन को जिसे उसने अपनी मोटर स्टेट की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बनाया होता है। हम तुरंत ही जन के सोल अवतार को उसके सामने मेटरलाइज होते हुए देखते हैं। अब जब ये क्लोन उसके सामने खड़ा होता है तो उसका ऑरा भी जन से मेल खा रहा था। जब अपने सामने खड़े दोनों जन की ऑरा एकदम सिंक्रोनाइजेशन में होते हैं, ये देख के उस औरत की आंखों में शॉक अपीयर होता है। ऐसी फ्लॉलेस सोल मैनिपुलेशन बहुत ही कम बार देखी जाती है। जियान के स्किल को वो भी एडमायर करने लगी थी। दोनों जियान और उसका क्लोन एक दूसरे को देख के नॉड करते हैं। ऐसा लगता है एक ही नजर में सारी बातें हो गई हो। फिर बिना हेस्टेशन के दोनों उस मीटर रोड की तरफ मुड़ गए थे। वो जानते थे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टोन के आसपास का स्पेस दोनों को ही कोई गलती करने का मौका नहीं देने वाला। गोल्डन डैकिंग जियान के दिमाग में बोलते हैं, बहुत बढ़िया, तुम्हारे ऐसा करने की वजह से तुम्हारे सक्सेस होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। जियान भी नॉड करके बोलते हैं, हाँ ये रिस्क काफी बड़ा है लेकिन मैं इसे लेने के लिए तैयार हूँ। जियान और उसका क्लोन दोनों साथ में मूव करते हैं। दोनों की नजरें शैटर्ड स्पेस को कैलकुलेट करने लगी थी। वो जानते थे कि अगर वो शैटर्ड स्पेस के डेडली ट्रैप से बच के उस लाइफ और से भरे पत्थर को वापस लाना चाहते हैं तो उन्हें अपने हर एक ट्रैप को बहुत ही अच्छे से टाइम करना होगा। जब जियान शैटर्ड स्पेस में एंटर करने वाला था तो वो वुमन गोल्डन डैकिंग और लॉन्गी बैठे नहीं रहते। वो औरत कहती है, लेट्स गो। उसके मुंह से शब्द भारी आए थे तभी वो सोर्ड जो कि जमीन के अंदर गड़ी होती है उसके अंदर से एक इंटेंस लाइट उस वुमन के अंदर जाती है। इमोर्टल सोर्ड की इस नई एनर्जी की वजह से उस औरत की स्ट्रेंथ पहुंच जाती है 7 स्टार लेवल पे। अपने पीछे से ऑरे को सेंस करके जियान थोड़ा कंफ्यूज सा हो जाता है। वो कहती है, एक तरीके का सीक्रेट मेथड है, ऑफ कोर्स ये लंबे समय तक लास्ट नहीं करने वाला। वो कहती है, वी कॉशियस, इस जगह का स्पेस बहुत ही अनस्टेबल है, एक पीक दूधी की बॉडी भी इसमें कोई सेकंड से ज्यादा टिक नहीं पाएगी। पीछे से गोल्डन डैकिंग भी बोलते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम फेल होने वाले हो तो वापस आ जाना, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। गोल्डन डैकिंग के शब्दों में चिंता को महसूस करके जियान नॉड करता है। डीप डाउन जियान भी जानता था कि ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टोन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आखिरकार ये चीज गोल्डन डैकिंग को रिकवर करने में हेल्प कर सकती थी। इस वजह से रिस्क है कैसा भी हो जियान को इसे हासिल करना होगा। जियान गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब अगली बार उसकी आंखें खोली थी तो उनमें एक अलग ही शार्पनेस आ गई होती है। चलो हम ओरिजिनल जियान को बोलेंगे जियान और उसके सोल अवतार को बोलेंगे ब्लैक जियान। दोनों ही हैंडसेट्स को चेंज करके अपने ऑरे को पीक पर ले जाते हैं। जैसे दोनों आगे शूट होते हैं बूम 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 की आवाज के साथ गोल्डन डैकिंग लॉन्गी और वो मिस्टीरियस वुमन भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ को अनलीज कर देते हैं। तीनों ही अपनी रॉ स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके जियान के लिए काम थोड़ा आसान करना चाहते थे। बात बस ऐसी होती कि जैसे इन तीनों के अटैक्स उस शैडर स्पेस के 1 मीटर अंदर घुसते हैं एक अजीब सी पावर इन्हें एकदम चबा जाती है। तीनों की कंबाइंड पावर के बाद भी वो पावर शैडर स्पेस के 1 मीटर अंदर ही जा पाई थी। ये शैडर स्पेस की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ अच्छे अच्छों को चिल फील करवाने के लिए काफी थी। अच्छी बात यह थी कि तीनों की कंबाइंड स्ट्रेंथ ने जियान के लिए 1 मीटर का रास्ता क्लियर कर दिया था। जियान तुरंत ही अपनी हैंड सीज को चेंज करता है। तुरंत ही उसके सामने के स्पेस में रिपल्स बनने लगती है। वो ब्लैक जियान नॉड करता है, बूम की साउंड के साथ मिल्की व्हाइट फ्लेम से सराउंड कर लेती है। बिना हेस्टेशन की वो अंदर चला गया था ऑफकोर्स स्पेस के अंदर। अभी जियान की ओरिजिनल बॉडी खड़ी थी बाहर और उसका सोल अवतार यानी कि ब्लैक जियान गया था अंदर की तरफ। अपने सोल अवतार से कनेक्शन को बनाए रखते हुए जियान उसे अच्छे से कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन इस चीज में उसे काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे थे। धीरे धीरे उसके माथे से पसीना बहने लगता है। अपने क्लोन को सपोर्ट करते हुए जियान कहता है, डैम इट, इसे काम करना होगा। क्योंकि उसके क्लोन और उसके बीच में इंटेंस कनेक्शन था तो अगर उसके क्लोन को कुछ हो जाता है जियान को हैवी बैकलैश का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ गोल्डन डैकिंग की टोली अटैक्स करना बंद नहीं करती, वो एक के बाद एक एनर्जी बीम्स को शूट करते रहते हैं। ऐसा लगता है उस ओरिजिन स्टोन के अंदर थोड़ी सी कॉन्शियसनेस जाग रही थी क्योंकि जैसे ही जियान स्ट्रक्चर स्पेस में एंटर करता है वो मीटर रोड हल्का सा डिम हो गया था। फिर उसमें से एक इंटेंस लाइट बाहर आती है, उसके नीचे एक गोलाकार चीज कई पानी की बूंदों को टपकाने लगती है। फर्क बस इतना था कि हर एक बूंद के नीचे गिरते ही चारों तरफ के पौधे एकदम बड़े होने लगते हैं। बात बस ऐसी थी कि इनमें से एक इंटेंस डेथ हॉरर रेडिएट हो रहा था। इसे देख के जियान का दिल भी टाइट हो जाता है। जब गोल्डन डैकिंग इन पानी की बूंदों को देखते हैं तो उनका एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया था। वो कहते हैं, ये डोमेन पावर है, इसे डोमेन का एसेंस भी कहा जा सकता है। हमें समझना चाहिए कि डोमेन की एसेंस पावर सिर्फ दोशियान लेवल से ऊपर वाले पावर हाउस प्रोसेस कर सकते हैं। अब भले ही गोल्डन डैकिंग मीटर के सीक्रेट्स के बारे में न जान पा रहे हो लेकिन वो इतना तो समझ जाते हैं कि कोई भी चीज जो कि डोमेन के एसेंस से कनेक्टेड होती है वो सच में इमेंसली पावरफुल होती है। जिल्लोंग कहते हैं, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। दूसरी तरफ जियान अपने सोल क्लोन को संभालने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करने लगा था। ऐसी बात नहीं थी कि वो स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करके एक ही बार
में इस मीटियोर के क्लोज न जा सके, लेकिन वो अपनी मोटर स्टेट की सोल पावर से बने सोल क्लोन को खतरे में नहीं डाल सकता था। जियान तभी एक्शन लेना चाहता था जब वो सफल होने के बिल्कुल करीब हो। खास बात यह होती कि भले जियान अपने सोल क्लोन को कंट्रोल कर पाता हो, लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि उसका हर एक एक्शन जियान के कंट्रोल में था। वो सोल क्लोन अपने मन से सोच सकता था। दूसरी तरफ जब गोल्डन डेकिंग इस नजारे को देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि चीज लंबे समय तक काम नहीं करने वाली। तुरंत ही उनकी वो नॉर्मल आंखें एकदम वर्टिकल पीपल वाली आईज में बदल जाती है। ये आंखें और किसी की नहीं बल्कि गोल्डन ड्रैकिंग की ओरिजिनल बॉडी की होती है। इससे उनकी बॉडी में से एक सुप्रीम रूलर वाला ऑरा रेडिएट हो रहा होता है। गोल्डन ड्रैकिंग की प्रेजेंस के इस प्राइमल ऑरे को सेंस करके लोंगी अपने आप को उसे झुकाने से रोक नहीं पाते। वो कहते हैं क्या इनक्रेडिबल ऑरा है, अगर गोल्डन ड्रैकिंग अपने सोल फॉर्म में इतने पावरफुल है तो मैं उनकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ के बारे में सोच नहीं सकता हूँ। जियान ने पीछे से जिल्लों के ऑरे को सेंस कर लिया था। अपने कनेक्शन को स्टेबलाइज करते हुए सोचता है क्या मास्टर का रियल ऑरा ऐसा होता है। इस मोमेंट में गोल्डन डेकिंग की स्ट्रेंथ दो इमोर्टल लेवल पे पहुंच चुकी थी, जो कि ज़ोलनी कॉन्टिनेंट के टॉप पे होती है। गोल्डन डेकिंग की पावर की वजह से औरत भी सरप्राइज हो गई थी, लेकिन वो काफी जल्दी अपने कंपोजर को हासिल करके अपने ध्यान को उन बड़े बड़े पौधों पे लगाती है जो कि हमला करने के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ गोल्डन डेकिंग का हाथ एक पंजे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसके ऊपर गोल्डन स्केल्स थे। अटैक का नाम होता है ड्रैगन गॉड क्लॉ। एक तेज रोर की आवाज के साथ ये क्लॉ अटैक सीधा शैटर्ड स्पेस की तरफ आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट मोमेंट में बूम की आवाज के साथ उस शैटर्ड स्पेस में एक बड़ी सी रिपल फैलती है। ऐसा लगता है उस शैटर्ड स्पेस का आधा हिस्सा तबाह हो गया हो। जियान के सामने के 10 मीटर के स्पेस में अब उसे 5 मीटर तक कोई चीज नहीं रोक सकती। जिल्लों के क्लॉ अटैक की पावर इतनी भयानक थी कि भले इसका इम्पैक्ट उस पत्थर तक नहीं पहुंच पाया हो, लेकिन तभी बची हुई एनर्जी वेव्स की वजह से वो एक सेकंड पहले उगने वाले प्लांट्स एकदम तबाह हो जाते हैं। उन बूम 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 की आवाज के साथ फैल रही शॉक वेव्स की वजह से जियान लोंगी और बाकी के लोग भी इफेक्ट होने चाहिए थे, लेकिन गोल्डन डेकिंग एक हाथ के इशारे से तीनों को एक प्रोटेक्शन बैरियर के अंदर ले लेते हैं। और गोल्डन डेकिंग के प्रोटेक्शन बैरियर की वजह से वो डेवेस्टेटिंग फोर्स किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। वो फ्रैक्चर स्पेस जो कि सभी के दिमाग का दही कर रहा था, इस समय गोल्डन डेकिंग के क्लॉ अटैक ने उसे फोर्सफुली आधा कर दिया होता है। गोल्डन डेकिंग साय करके बोलते हैं अगर मैं स्ट्रेट फॉर्म में नहीं होता तो इस चीज को मैं अपनी उंगली के एक इशारे से सप्रेस कर देता। जिल्लों के शब्दों को जियान डाउट नहीं करता। आफ्टर ऑल कहा जाता है कि गोल्डन डेकिंग ड्रैगन क्लैन में बस लेजेंडरी ड्रैगन गॉड से पीछे थे। अगर उनकी स्प्रिट फॉर्म में इतनी पावरफुल है तो फिर उनके फिजिकल बॉडी के साथ वो एक दोशियान को एक इशारे से खत्म कर सकते हैं। तब तक उस सर्कुलर ऑब्जेक्ट में से कुछ बूंदें और टपक गई थी जिसकी वजह से कुछ प्लांट्स और जम जाते हैं, लेकिन ये सब भी गोल्डन डेकिंग के अटैक की रेमिनेंट वेव्स की वजह से डर के मारे कांप रहे होते हैं। ये चीज बस आधे सेकंड तक लास्ट करती है, फिर जो आगे होता है उसकी वजह से गोल्डन डेकिंग भी सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि उनके उस भयानक अटैक के बाद भी वो पूरी तरीके से तबाह हो चुके पौधे अपनी उसी जगह से दोबारा ग्रो होने लगते हैं। इनकी रिजनरेशन पावर बहुत भयंकर थी। सबसे अजीब होता है वो ओरिजिनल स्टोन ऑफ लाइफ गोल्डन डेकिंग के टेरिफाइंग अटैक के बाद भी बिल्कुल हिला नहीं था। ऐसा लगता है उसकी स्थिरता को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जब जियान सबके बारे में सोच रहा होता है तभी पीछे से जिल्लों की आवाज उसके कानों में जाती है। वो कहते हैं जियान समय आ गया है। ये सुनकर जियान तुरंत ही होश में आ जाता है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन की आग जलने लगती है। इस पल में उसकी सफलता और असफलता डिसाइड होगी। बिल्कुल समय न होने की वजह से जियान अपनी दुखी को उस शैटर्ड स्पेस के अंदर भेजने लगता है। धीरे धीरे करके उस मीटरॉड के चारों तरफ का स्पेस रिपल होने लगा था। लगता है इन चीजों को सेंस करके वो पौधे एकदम अलर्ट मोड में एंटर कर जाते हैं। इनके पहने पहने पत्ते पॉइंट हो जाते हैं जियान की तरफ। ये साफ तौर पर धमकी दे रहे होते हैं। जियान अपने सीधे हाथ को आगे बढ़ा के हैंड सील चेंज करता है। तुरंत ही उसका सोल अवतार स्पेस में एंटर करके अपने हाथ को उस मीटर की तरफ आगे बढ़ाने लगा था। जिस मोमेंट में जियान के सोल क्लोन का हाथ स्पेस में से बाहर आया था, ये शैटर्ड स्पेस एकदम उबलने लगता है। तुरंत ही बैंग 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 की आवाज के साथ जियान के हाथ को जिस फ्लेम बैरियर ने ढक रखा था वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। फिर बची हुई स्पेशल वेव जब सोल अवतार के हाथ से टकराई थी तो इसकी बैकलैश पहुंचती सीधे जियान के दिमाग में। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी खोपड़ी में कोई हथौड़ा चला रहा हो। जियान कहते हैं डैम इट क्या टेरिफाइंग पावर है, लेकिन पीछे हटने का विकल्प न होने की वजह से जियान तुरंत ही अपनी सारी दुखी को अपने सोल क्लोन को भेजता है जिससे उसे कम नुकसान पहुंचे। अपने इस एफर्ट की वजह से उसके हाथ को फिर से फ्लेम सराउंड कर लेती है और वो उसे आगे बढ़ा पाता है, लेकिन जब वो उस मीटरॉड को पकड़ने की कोशिश करता है जियान के क्लोन का हाथ उस पत्थर के आर पार हो गया था। ये चीज जियान के लिए शॉकिंग थी। वो कहता है समक है ना, ये वही सेम स्पेस है तो फिर मैं इसे टच क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। उसका बचा हुआ समय बहुत जल्दी निकल रहा था। वो जानता था कि जैसे उसकी दुखी खत्म होती है उसके सोल अवतार के परकत चुड़ा दिए जाएंगे। तभी पीछे से गोल्डन
डेकिंग चिल्ला के बोलते हैं, जियान, ये ओरिजिन ऑफ लाइफस्टोन ज्वेलिंग इंपीरियल बॉन्ड की चाबी है, तुम इसे सिंपली ले नहीं सकते हो, इसकी जगह पे पहले तुम्हें कोई चीज रखनी होगी, जियान कहता है रिप्लेस करना होगा। वो तुरंत ही पास में बड़ी एक लकड़ी को बुलाता है, इसे उस खाली स्पेस के अंदर भेज दिया गया था। फाइनली एक बैंक की आवाज के साथ जियान का हाथ उस पत्थर से टकराया था, वो जैसे इसे हटाता है उसकी जगह पे वो लकड़ी रख दी जाती है, ये ओरिजिन ऑफ लाइफस्टोन के रिप्लेसमेंट का काम करेगी। कुछ सेकंड्स के लिए वो क्योटिक स्पेस एकदम झंझनाने लगा था, लेकिन जियान के लिए अच्छी बात थी कि वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। उस फ्रैक्चर स्पेस के स्टेबलाइज होने के बाद ही जियान की धड़कन थोड़ी नॉर्मल होनी शुरू हुई थी। सीन शिफ्ट हुआ था उस मिस्टीरियस वुमन की तरफ, वो जियान को खुशी से भरी नजरों से देखती है, वो कहती तुम सफल हो गए। अभी जियान जमीन में बैठ के हांफ रहा होता है, उसने जब उस पत्थर को पकड़ा था उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जियान को ऐसा लग रहा होता है जैसे चीज उसके हाथ में एक बड़ा सा छेद बना देगी, लेकिन अच्छी बात है कि वो उस लकड़ी को तुरंत ही उस जगह पे प्लेस कर पाया। जब वो स्टिक ओरिजिन ऑफ लाइफस्टोन की जगह को ले लेती है, जियान फाइनली उस ओरिजिन ऑफ लाइफस्टोन के अंदर से एक जेंटल एनर्जी को फील कर पाता है, ये एनर्जी उसके हाथ से होकर उसके अंदर बह रही होती है। और जब वक्त जियान ने उस ओरिजिन ऑफ लाइफस्टोन को तो हासिल किया ही था, साथ ही वो ले लेता है उस गोलाकार के ऑब्जेक्ट को जो कि उस ओरिजिन ऑफ स्टोन के नीचे रखा था। अच्छी बात है कि गोल्डन डैकिंग अपने ऑरे का इस्तेमाल करके उन डेथ ऑरे से भरे प्लैनेट्स को रोक रहे थे, वरना इस समय के दौरान वो पेड़ पौधे उसे डिस्ट्रैक्ट कर सकते थे। हालांकि भले चीजें सिंपल लग रही हो, लेकिन ये प्रक्रिया सच में बहुत कॉम्प्लेक्स थी। इसके बारे में सोच के जियान को चक्कर आने लगते हैं। अगर वो शैटर्ड स्पेस की वजह से उसके सोल क्रोन का एक हाथ भी टूट जाता तो जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का भारी नुकसान हो जाता। ऐसा होने पर जियान हो जाता कमजोर और उससे और भी अटैक्स टकरा सकते थे। अच्छी बात है कि इस बार उसकी साइड में किस्मत थी, ऐसा भी नहीं कि इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद भी जियान का कोई एक्स्ट्रा फायदा ना हुआ हो। उस शटर स्पेस को अनुभव करने की वजह से जियान को अपनी स्पेशल शटर टेक्निक का इस्तेमाल करने में अब और भी आसानी होने लगी होती है। दूसरी तरफ गोल्डन डेकिंग का फिगर जियान का एक चक्कर लगाता है, जब वो देखते हैं कि उसे कोई चोट नहीं पहुंची है, जिलोंग नॉड करते हैं, वो कहते हैं तो तुम ठीक हो। जियान का इस तरीके साहस दिखाना इसने गोल्डन डेकिंग को खुश कर दिया था। वहीं पे जिलोंग का खुद को इस तरीके से चेक करना ये भी जियान को डीपली टच करता है। भले वो अपने हाथ में इतने कीमती ट्रेजर को पकड़े हो, तभी उसके मास्टर पहले उसे चेक कर रहे हैं। फिर जियान मुड़ता है अपने सोल अवतार की तरफ, वो खुद के सोल अवतार को थैंक यू बोलता है, आफ्टर ऑल दोनों ने साथ में काम किया होता है। उसका सोल अवतार कहता है तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, आखिरकार हम एक ही है। फिर हम उसे एक एनर्जी स्ट्रीम में बदल के जियान के दिमाग में घुसते हुए देखते हैं। जियान उस औरत की तरफ मुड़ के बोलता है मिशन अकम्प्लिश्ड। तभी जिलोंग की आवाज आती है, वो कहते हैं लगता है मैंने मिस कैलकुलेट किया था, अगर मुझे पता होता कि स्पेस के अंदर इतने बड़े खतरे हैं तो मैं तुम्हें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने देता। जियान एक हल्की स्माइल के साथ बोलते हैं मास्टर आप चिंता मत करो, मैं अपनी लिमिट्स को जानता हूँ। फिर अपने हाथ को उठा के उस गोल चमकते हुए पत्थर को जिलोंग को दिखाता है। गोल्डन डेकिंग कहते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टोन है। वो मिस्टीरियस ग्रीन क्लोड वुमन भी बोलती है हमारे एग्रीमेंट के बारे मत भूलना। वो एक लाइट भी ट्रांसफॉर्म होकर उस इमोर्टल सोल्ड में चली गई थी। जियान के लिए रास्ता बनाने के लिए उसने भी काफी एनर्जी का इस्तेमाल कर दिया था, इस वजह से उसका ध्यान होता है अपनी स्ट्रेंथ को बचाने के ऊपर। उस इमोर्टल सोल्ड को देख के जियान एक मेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू बोलता है मास्टर सच में क्या हम इस इमोर्टल सोल्ड के साथ इस ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टोन की एसेंस को शेयर करने वाले हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग नॉड करके जियान से मेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू बोलते हैं ऑफ कोर्स इमोर्टल सोल्ड काफी वैल्यूएबल है, ये भी किसी बहुत बड़े खजाने से कम नहीं है, अगर हम इसे मीटर का थोड़ा सा एसेंस दे देते हैं तो इसके पास और भी यूनिक एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। अब भी जियान को ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टोन के बारे में पता नहीं होता है, वो पूछता है मास्टर ये क्या चीज है। अपनी एंशिएंट मेमोरीज को खगोलते हुए वो जियान से कहते हैं मैं इसके बारे में तुम्हें बताने जा रहा था। उनके चेहरे कैसे हावभाव को देख के जियान पूछता है मास्टर क्या आप ठीक हो। गोल्डन डैकिंग कहते हैं मैं ठीक हूँ, मुझे बस पुरानी बातें याद आ गई थी, भले वो मेमोरीज अच्छी ना हो लेकिन तुम्हारे पोटेंशियल को देख के मुझे काफी शांति मिल रही है, लगता है तुम्हारे इस मास्टर तोशे ने तुम्हारे अंदर सच में कुछ ऐसा देखा होगा जो कि मुझे भी इम्प्रेस कर रहा है। जिलोंग जनरली जियान के सामने अपनी इमोशनल साइड को एक्सप्रेस नहीं करते थे, इस वजह से इन बातों को सुनना जियान के लिए काफी नया होता है। फाइनली वो अपने हाथ को वेव करके बोलते हैं चलो उसके बारे में छोड़ो, ये ओरिजिन ऑफ लाइफस्टोन अपने अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में वाइटैलिटी को रखता है, या फिर वाइटैलिटी को जिंदगी या फिर लाइफ सोर्स कह सकते हैं। हो सकता है कि अभी तुम्हारे लिए इन पावर्स को समझना मुश्किल हो, लेकिन एक समय पे तुम इसके सीक्रेट्स को अनलॉक करोगे। इस पत्थर का सबसे रिमार्केबल एट्रीब्यूट ये है कि लाइफ फोर्स को रिस्टोर कर सकता है। जब मुझे एलियन इविल रेस के द्वारा कैप्चर किया गया तो मेरा नुकसान सिर्फ मेरी ओरिजिनल पावर का नहीं हुआ था बल्कि मेरी लाइफ फोर्स भी कम हो चुकी है, और ये पत्थर मुझे उसे वापस हासिल करने देगा। वो कहते हैं स्टोन के साथ मैं अपनी सोल स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से रिकवर कर सकता हूँ। स्टोन कितनी ज्यादा कैपेबिलिटीज हो
होंगी जियान ने सोचा नहीं था। ये सच में एक प्रोफाउंड ट्रेजर है। एक बार जब गोल्डन डैकिंग अपने पीक स्ट्रेंथ पे पहुंचते हैं तो जियान होली फ्लेम का इस्तेमाल करके उनके लिए एक फिजिकल बॉडी को रिफाइन कर सकता है। ये उनके लिए एक तरीके का रिजरेक्शन होगा। रिजरेक्शन का मतलब होता है दोबारा जिंदा होना। गोल्डन डैकिंग कहते हैं हो सकता है आज से मुझे सेक्लोजर में जाना पड़े, मैं आसपास एक फैमिलियर प्रेजेंस को महसूस कर पा रहा हूँ। जियान एक रिजॉल्व के साथ बोलते हैं, मास्टर आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपको पूरी तरह से रिकवर करने में हेल्प करूंगा। इसके रिप्लाई में जिलोंग बोलते हैं, मैं तुम्हारी डेडिकेशन पे डाउट नहीं करता हूँ, लेकिन तब भी मेरे जाने के बाद तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पे पूरा फोकस करना होगा। मेरे रिट्रीट से बाहर आने के बाद मैं तुम्हें और भी पावरफुल देखना चाहता हूँ। जियान स्माइल के साथ बोलते हैं, मास्टर मैं समझ गया। गोल्डन ड्रैगन किंग के शब्दों की गर्माहट उसे यालॉक याद दिलाती है, जिन्होंने दो दिक्वाडेंट में जियान के लिए सब कुछ किया। उनकी केयर भी कुछ इस तरीके की थी। गोल्डन ड्रैगन का फाइनली ध्यान जाता है लोंगी की तरफ। वो कहते हैं, लोंगी मैं जानता हूँ कि तुम जियान को क्यों फॉलो कर रहे हो, इसलिए मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। जियान को मेरा डिसाइपल कंसिडर किया जा सकता है, इस वजह से तुम समझ ही गए हो कि तुम्हें आगे क्या करना होगा। जब मैं फ्यूचर में फिर से ड्रैगन क्लैन के ऊपर रूल करूंगा तुम्हें अपने बेनिफिट जरूर मिलेंगे। ऊपर से लोंगी हल्के से स्माइल के साथ नॉड करते हैं, लेकिन अंदर से उनको चलने का मन हो रहा था। बोधी वर्ल्ड के किसी भी ड्रैगोनिक क्रिएचर के लिए ड्रैगन क्लैन को ज्वाइन करना सबसे बड़ा ऑनर होता है, और लोंगी की भी अपने ड्रैगन क्लैन लौटने की बहुत इच्छा थी। लेकिन लोंगी जानते थे कि उनकी ब्लड लाइन और उनकी स्ट्रेंथ वहां तक पहुंचने के लिए काफी नहीं है। उनकी ड्रैगन ब्लड लाइन के बदला होने की वजह से नॉर्मली उन्हें ड्रैगन क्लैन में एंट्री नहीं मिलने वाली, लेकिन उन्हें लगता था कि जियान को फॉलो करने से उनका भाग्य बदल जाएगा, खासकर क्योंकि जियान के पास गोल्डन ड्रैगन का साथ है तो फिर ड्रैगन क्लैन भी उन्हें एक्सेप्ट करेगा। जिलोंग कहते हैं, जब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। जियान डीपली बाव करके बोलते हैं, मास्टर मैं समझ गया। वो जो इस नई दुनिया में नया आया था यहाँ तक उसे पहुंचाने वाले गोल्डन ड्रैगन होते हैं। गोल्डन ड्रैगन इशारा करते हैं, उनकी एक हथेली के ऊपर सोर्स ऑफ लाइफ स्टोन आ जाता है और दूसरी हथेली के ऊपर वो गोलाकार चीज। तुरंत ही ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टोन में से वो लाइफ एनर्जी और सर्कुलर ऑब्जेक्ट में जाने लगी थी। जिलोंग कहते हैं, भले तुम अभी मिड फोर स्टार दो दी एक्सपर्ट हो, लेकिन ये लाइफ एनर्जी तुम्हें ट्रांसफॉर्म कर सकती है, इस वजह से तुम इसे एक्सेप्ट करो। जियान तुरंत इस ऑब्जेक्ट से इमेंस एनर्जी को महसूस करता है। गोल्डन ड्रैगन किंग उस गोलाकार चीज की तरफ देखते हुए बोलते हैं, ये शेंग शोयन है, इसे प्रीसियस मेडिसिन इंग्रेडिएंट को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर की पावर इतनी पोटेंट है कि पावरफुल दोशियन एक्सपर्ट्स भी इसे पूरी तरह से अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम्हारी यूनिक सोल फोर्स की वजह से मुझे कॉन्फिडेंस है कि तुम इसे सेफली हैंडल कर सकते हो। वो कहते हैं, ज्वालिंग इंपीरियल पॉइंट का कोर है, इसे अब्सॉर्ब करने से तुम्हें काफी ज्यादा फायदे होंगे। जियान इस शेंग शोयन के बारे में पहली बार सुन रहा था, खासकर इसके अंदर की लाइफ एनर्जी ये जियान को अलग ही फील करवा रही होती है। उसे लगता था कि वो इस लाइफ एनर्जी को अच्छे से अब्सॉर्ब करके 5-star द्वैपर लेवल में ब्रेक थ्रू कर सकता है। जियान डिटर्मिनेशन से भरी आंखों के साथ अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। वो कहता है, यस मास्टर। उस शेंग शोयन को जियान के हाथ में देखे गोल्डन ड्रैगन उसे एक बार गहराई से देखते हैं, फिर बिना हेजिटेशन के उनका फिगर उस जियान की येन एम्पर रिंग में चला गया था। अपनी येन एम्पर रिंग के अंदर जियान सेंस कर पाता है कि एक मैसिव गोल्डन नौरा एक बड़ी सी जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो कहता है, मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और मैं फील कर पा रहा हूँ कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। बगल में फ्लोट कर रहे लोंगी कहते हैं, चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जियान नोट करके अपने फोकस को ले जाता है शेंग शोयन के ऊपर। ये चीज एक छोटी सी कटोरी जैसी होती है और इसके बीचा बीच में होता है ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड। भले इसका साइज बहुत ही छोटा हो, लेकिन ये अपने अंदर से एक ओवरवेलमिंग एनर्जी को रेडिएट कर रहा था। इस चीज के अंदर की पावरफुल लाइफ एनर्जी को सेंस करके जियान कहते हैं, सच में इनक्रेडिबल है। अगर इस चीज को ढंग से हैंडल नहीं किया गया तो ये चीज किसी के ऊपर भी हावी हो सकती है। अच्छी बात है कि जियान के पास पावरफुल स्पिरिचुअल स्टैंड के साथ साथ कई तरह की हेवली फ्रेम्स भी होती है जो कि इसे हैंडल करने में बहुत काम आएंगे। इस शेंग शोयन को अच्छे से देखने के बाद जियान फाइनली उसी जगह पर बैठ जाता है। ये पावर उसके लिए एक रेयर गिफ्ट है और उसे इसका अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। जियान के एक इशारे पे उसके सामने कई मेडिसिनल पिल्स आके फ्लोट करने लगी थी। ये उस ऊर्जा को स्थिर करने में काम आने वाली है जो कि कुछ ही देर में अनलीश होगी। वो फाइनली इस जगह के स्ट्रेंज एटमोसफेयर को नोटिस करके बोलता है, ये जगह अनयूजुअल है, यहाँ पे दुखी को सिर्फ रिकवरी नहीं किया जा सकता बल्कि मैं अपनी दो दी बॉडी को भी रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहा हूँ। एक गहरी सांस लेने के बाद उन मेडिसिनल पिल्स को निगलना शुरू कर देता है। इन पिल्स की जेंटल एनर्जी जियान के शरीर में नई जान दौड़ाने लगी थी। अब उसका ये ट्रेनिंग स्टेट कब एंड होने वाला है, पहले इसके बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये कहा जा सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड होगा काफी ज्यादा औसम, क्योंकि हमें उसमें 7th फ्लोर के राज जानने को मिलेंगे। ऑनेस्टली मैं उस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। साथ में ज्वाल ने रॉयल फैमिली और सोलोमन सेक
के बीच में क्या डील चल रही है हम उसके बारे में भी जान रहे होंगे। और जियान करेगा ब्रेक थ्रू पे ब्रेक थ्रू। सो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वैसे अगर आपसे एपिसोड्स का वेट नहीं किया जाता तो आप हेल गार्डन की मेंबरशिप का पार्ट बनके हमें पर्सनली सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा करने पे आप अर्ली एक्सेस को एंजॉय कर पाओगे। हम जैसे ही शाम को नए एपिसोड प्रिपेयर करते हैं वो अर्ली एक्सेस के रूप में सारे मेंबर्स के लिए अवेलेबल हो जाता है। तो ज्वाइन बटन को चेकआउट जरूर करना और साथ में ही कमेंट्स में लेकर जरूर बताना कि आपका एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है। हमारा मिलना हुआ नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।